कभी भी हो सकता है नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। अंतिम आरक्षण की अधिसूचना अब जारी हो चुकी है और प्रदेश में 762 में से 760 सीटों पर चुनाव होना है। इसी वर्ष नगर निकाय चुनाव होना है जिसमें नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव होगा और अंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब इंतजार है तो तारीखों का। नगर निकाय चुनाव में वैसे ही देरी हो चुकी है, आयोग की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अब अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब इंतजार है तो तारीखों का। यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी भी जुटी हुई है और आज अलग अलग जिलों का डिप्टी सीएम दौरा करने जा रहे हैं, उनके साथ मंत्री मौजूद होंगे, मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झांसी में केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन होगा तो लखनऊ में ब्रजेश पाठक मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। नंदगोपाल नंदी वाराणसी में सम्मेलन में शिरकत करेंगे तो बरेली में मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना नजर आने वाले हैं। निकाय चुनाव की नजदीक आती तारीखों के बीच बीजेपी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ आजमगढ़ से बीजेपी ने शंखनाद किया है तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अब इसके तहत पब्लिक के बीच जाकर बीजेपी अपनी बात पहुंचाएगी। निकाय चुनाव के करीब आती तारीखों के बीच बीजेपी अपने प्लान के साथ मैदान में उतर चुकी है। नजरें चुनाव में जीत का परचम लहराने पर है और इस मिशन के लिए बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रभावी मतदाता सम्मेलन कानपुर में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी है, मैं कह सकता हूँ कानपुर और आसपास के भी सभी सीटों पर हमारे 81 वोटों से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। महापौर के चुनाव में और अगल बगल के नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। नजदीक आते निकाय चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने जनता के बीच जाकर अपनी बात कहने का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बीजेपी कई सम्मेलनों के जरिए मतदाताओं से संवाद करेगी। इन सम्मेलनों की शुरुआत झांसी और कानपुर से की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं संवाद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी जनता के बीच जाएंगे, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी संवाद करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और ऐतिहासिक वोटों से सभी स्थानीय निकाय सीटों पर मेयर में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में चुनाव जीतेंगे। इतना तो तय है कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस रखी है। नजरें निकाय चुनाव के रास्ते सत्ता में अपनी जगह और मजबूत करने की है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यूपी के निकाय चुनाव की कसौटी पर खरा उतरने का मतलब है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता के मूड को परखना।